उसका विकेट कीपिंग भी गया और बैटिंग तक गया ही छोड़ो नहीं ओनली विकेट कीपिंग के लिए ले सकते हैं ना विदाउट बैट करने दिए है ना नहीं नहीं ले लेते हैं ना उसको फिर भी टीम करेगा बैटिंग नहीं देंगे उसको नहीं मैं दूध पीला इज गुड फॉर योर नेक अल्लू का चालू बेटा रिया की नोडी प्लीज गो नियर निम्मी चीची डोंट टच योर फिंगर टू मी गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग और आज का व्लॉग शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से ये मेरा ब्रेकफास्ट कुछ पूरी है आलू फ्राई के साथ कुछ सेवरी क्रेप्स हैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बहुत भूख लगी है संडे इज फाइनली गोइंग ऑफिस मेरे को कोई रोक नहीं सकता मैं जाऊंगा तो जाऊंगा फाइनली फाइनली नहीं बाय बाय तो ही इज गोइंग टू ऑफिस एंड कॉफी नहीं पिए सो आई एम गोना मेक सम कॉफी फॉर माई सेल्फ रात से सर दर्द भी कर रहा था मुझे सर्दी के लिए शायद आई हैव लॉट ऑफ कंजेशन तो थोड़ा कॉफी पीने से अच्छा लगेगा आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो एंड गेट निमी फ्रॉम स्कूल पहले संदीप लेके आता था निमी को स्कूल से 12:30 बजे उसको लेके फिर संदीप ऑफिस जाता था पर रिसेंटली फ्रॉम लास्ट वीक वी हैव स्टार्टेड दिस दैट संदीप गोज लिट बिट अर्ली जैसे कि आपने देखा 10 बजे के आसपास वो ऑफिस निकला है आज और मैं अभी आशु के साथ जाऊंगी और निमी को लेके आऊंगी आई पुट हिम इन हिज कैरियर सो इट्स इजी फॉर मी टू कैरी हिम बट एक थिंग है यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं तो काफ़ी डस्ट रहता है मुझे एक फ्रेंड भी हेल्प कर देती है शी कम्स इन ऑटो तो मेरी सोसाइटी गेट से पिक कर लेती है मुझे स्कूल तक ड्रॉप फिर वही सेम थिंग हम आ जाते हैं सोसाइटी गेट तक निमी के साथ और जितना अंदर का है बस उतना ही चलती हूँ बट स्टिल या धूप इट्स स्टिल फाइन इट्स जस्ट दैट डस्ट सो मच डस्ट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क तो अभी आशु को मैंने थोड़ी देर सोने के लिए रखा है होपफुली वो 10 मिनट नैप ले ले नहाने के बाद वो सोया नहीं है आज खेल रहा है तो थोड़ी देर और रेस्ट कर ली और 20 मिनट्स उसको रहने देती हूँ अगर सोता है तो ठीक है पर अगर कैरी में चला जाता है अगेन मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको पिक करने के लिए बट क्या कर सकते हैं तो जब मैं निकलूँगी तब आपसे फिर बात करूँगी सो गाइस एज यू कैन सी आई एम आउट ऑफ द हाउस और ये आशु के साथ में तो जा रही हूँ मैं जैसे मैंने कहा था मेरी फ्रेंड आती है ऑटो में सोसाइटी के बाहर उसके साथ चली जाती हूँ तो जस्ट वॉकिंग और फिर लौटते वक्त करूँगी तो गाइस वी आर बैक फ्रॉम द स्कूल और मैंने स्कूल से आते वक्त कोई व्लॉग नहीं लिया क्योंकि आशु और निमी दोनों साथ में रहते हैं आके मैंने आशु को सोने के लिए रखा और निमी कब आके खाना पीना हो गया है अभी तो दोनों को अभी फिर से सोने के लिए रखा है आशु बीच में उठ गया था तो अभी दोनों को सो रहे हैं और मुझे फोल्ड करनी है एज यूजुअल पाइल ऑफ लॉन्ड्री आई एम गोना टैकल दैट एंड सी यू लेटर आफ्टर सम टाइम ओके गाइस निमी इज़ अप और छोटा वाला अभी भी आशु अभी भी सो रहा है और मुझे कुछ प्रेप वर्क फिनिश करने हैं निमी के बर्थडे प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बता रही थी उस दिन वीकेंड में जे संदीप गया था डी मार्ट और वो कुछ रिटर्न गिफ्ट्स लेके आया है ये स्पॉइलर अलर्ट तो ये इस टाइप के बॉक्स लेके आया है बट द थिंग इज वहाँ पे प्राइस टैग स्टिक किया हुआ है यहाँ पे सो इट doesn't seems good जब आप रिटर्न गिफ्ट देते हो या किसी को गिफ्ट देते हो और यू नो उस पर प्राइस टैग लगा हो तो सो मैं गीले कपड़े से ट्राई करूँगी इसको स्क्रब ऑफ कर देने की बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर यहाँ भी प्राइस मैंशनड है तो देखती हूँ इसको काट दूँगी यहाँ का ही है क्या नहीं इधर का ही नहीं है तो होपफुली अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ और इधर स्क्रब ऑफ कर दूँ तो शायद we will be good to go so let's try it out और निमी वहाँ बैठे बैठे कुछ एप्पल खा रही हो या नहीं खा रही हो सिर्फ बैठी हो बाबा एप्पल देख रहे खा रही हूँ खा
खा रहे हो, जल्दी जल्दी खा लो। ओके, अरे यार बहुत जिद्दी स्टिकर है। What are you talking about, Fudu? I can't. Birthday gift. Your birthday return gift है बाबा ये. Night time. मेरे को मिला ये. ये तुम्हारा पेट ठीक नहीं है. ये तुमने चोरी चोरी पुचका खा लिया था कल. अकेले अकेले. अकेले अकेले खाने से तो पेट खराब होता है. जैसे तुम बाहर निकल पाओ. लाना चाहिए ना, खुद एक प्लेट खाया तो एक प्लेट पैक करवा के भी लाना चाहिए ताकि तुम्हारा भी पेट खराब हो जाए और साथ में आंसू का भी खराब हो जाए। तो तुमने ऐसी जगह से क्यों खाया जहाँ खाने से पेट खराब हो जाए? वही से खाता हूँ हमेशा। दूध दिया था खराब उसने। कल दूध पिए थे? पता नहीं कब पिया था। आपका कौन सा पार्ट दर्द नहीं करता है बोलो पहले। ओके आप दूध फिनिश करो, लेट नॉट स्पिल इट। ओके ड्रिंक इट फास्ट। और आशु रोली पोली कर रहा है और टीदर खा रहा है। तो मैंने तो फिक्स हो गया। कुछ सामान लाना है। मैंने इसको कहाँ से मिलेगा? मैंने कोई भी मल्टी स्टोरी शॉप, वो मल्टी पर्पस शॉप में सॉस की तरह पैकेट मिलता है। हाँ वैसे भी मिलता है, बॉटल भी मिलता है। तो जो मैंने लिया ना बस वेज। इज योर मिल्क ओवर? मिल्क फिनिश करो देन आई विल सी कहाँ कहाँ दर्द कर रहा है। बॉटल में भी मिलता है, बस वेज लेना। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डू नॉट ईट नॉन वेज। मतलब कितने पीपल वेज नहीं खाते या खाते हैं नहीं पता, तो वेज ही लो। नॉर्मल मेयो में एग रहता है, एग वाइट शायद। मुझे भी नहीं पता कितना पीपल नॉन वेज खाते हैं, कितना पीपल नहीं खाते हैं नॉन वेज, कितना पीपल वेज खाते हैं, कितना पीपल वेज नहीं खाते हैं। चार कैटेगरी का लोग मुझे ढूंढना पड़ेगा। अरे मैंने बोल बोल सब गोलमाल कर दिया बोल बोल के। कुछ वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, तो इसीलिए वेज लाओ बेटर है। जैसे तुम केक वेज के तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो वेज नहीं खाएंगे ना। तो वेज ले लो। कोई कुछ लोग मेरे तरह प्योर नॉन वेजिटेरियन भी होता है ना। मैं भी आज बोल रही थी वही। और मेरी बेटी के स्कूल में एग नहीं भेज सकते। एक दिन मैंने गलती से भेज दिया था, उसने आके बोला मैम मामा सेड नो एग, मैम मामा सेड नो एग, नो नॉन वेज, नो नथिंग इन स्कूल, ओनली वेज फूड। थैंक गॉड हमने स्कूल में नहीं पढ़ा। हम तो रोज डिम भजा मुड़ी, टिफिन में डिम भजा मुड़ी नहीं दाल भजा मुड़ी, डिम भजा मुड़ी नहीं दाल। आज जिस दिन दोनों मनाने का टाइम नहीं होता था चनाचूर मुड़ी। आई नो यू होल्ड माय हैंड पे नहीं रख दो नहीं मैं दूध पी लो, इट्स गुड फॉर योर नेक। तो मैं जा रही हूँ अभी इनविटेशन देने के लिए निमी के बर्थडे पार्टी का, क्योंकि वीकेंड में है। तो सोच रही हूँ थोड़ा पहले से बता के रखें, लोग अपना प्लान बताने सकते हैं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बिग थम्स अप दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय गाइस एंड गुड नाइट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है?